Hello, hello, hello friends, how are you all? Hope you all are fine. Now you are in my channel. Welcome back to my YouTube channel Cyber Explore. This is Zeplon here. Today I am going to visit and explore a new location from this another blog. Just keep watching. गाइस बहुत दिन बाद और एक ब्लॉक्स लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग देख ही रहा होगा इस वक्त पुलिस यहाँ पर जिस तरह से नाकाबंदी सिक्योरिटी टाइट करके चेक कर रहा है करप्शन को मिटाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाईवे पर है ऑलरेडी। इस वक्त मैं जा रहा हूँ एक नया लोकेशन पर। जाते जाते आप लोगों को बताऊँगा कहाँ मैं जा रहा हूँ। बस देखते रहना। हाईवे का त्रिपुरा में यही प्रॉब्लम है। ये देखो गर्मी में भी इतना धूल मिट्टी और ठंड में भी विंटर आएगा तो भी ऐसा ही है। इतना सारा लॉजिस्टिक किया देखो हाईवे पर। हमने टेलियामुरा क्रॉस करके अभी आ चुका है फास्ट एंट्री गेट पर। यहाँ भी पुलिस का बैरिकेड है। ये देखो अम्बाशा, ये देखो अम्बाशा का सिचुएशन। यहाँ दुर्गा पूजा का पेंडल वर्क चल रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर दुर्गा पूजा के लिए। अभी कुछ दिन बाद ही दुर्गा पूजा है। कुछ कुछ जगह पर तो बस बांस का बंधा हुआ देख रहे पैंडल। पहले यहाँ इतना रोड के पास कोई स्टोर नहीं था, अभी बहुत सारा स्मॉल स्टोर दिखाई दे रहा है। अभी ये है अम्बाशा का म्यूनिसिपल AMC। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अंदर का पता नहीं। तो यहाँ पर भी पैंडल है दुर्गा पूजा का। अम्बाशा स्टेशन रोड के पास ही है, कोई भी आए तो आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर भी पुलिस और ट्रैफिक मिलके कुछ गाड़ियों का चेकिंग चल रहा है। मतलब आजकल बहुत ही ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ भी। और एक गेट है, ये देखो गाइस। ये देखो यहाँ पर भी ट्रैफिक और पब्लिक में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं कुछ पेपर को लेकर हो रहा होगा। देखो मोनू का पार्क, रोड के पास एक छोटा सा पार्क है, बहुत ही सुंदर है। मैं ऑलरेडी लेफ्ट कर चुका हूँ अम्बाशा और इस वक्त मैं मोनू पर हूँ। मोनू में गाड़ी के लिए वेटिंग कर रहा हूँ। तो ये इस गाड़ी में मैं जाऊँगा दूसरे लोकेशन पर। मोनो बहुत ही बड़ा मार्केट है, यहाँ पर पैसेंजर्स फुल नहीं हुआ इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। मोनो से पानीसागर तक आप जाएंगे बाय रोड और लाइन के कार से तो आपको 120 रुपीस देना पड़ेगा। तो मैं उठा गाड़ी पे, मोनो से मैं जा रहा हूँ अभी पानीसागर। तो वेलकम टू पानीसागर गाइस। ये है पानीसागर। मैं इस वक्त जा रहा हूँ एक स्टेशन पर हूँ, दामसोरा की तरफ जा रहा हूँ गाइस। दामसोरा में गाड़ी से जा रहा हूँ। ये स्टेशन दामसोरा का है। अब यहाँ से आराम से 22 किलोमीटर लगेंगे आपको दामसोरा तक जाने के लिए। तो मैं शाम की तरफ जा रहा हूँ अभी। शाम पे भी गाड़ी मिल जाता है 4 बजे की तरफ, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो यहाँ ज़्यादातर लोग रियांग लैंग्वेज में बात करते हैं, जितना मैंने सुना यहाँ मिक्स कल्चर है। इधर भी 22 किलोमीटर ही है अगर आप दामसोरा से खेटासर आएंगे तो। बातें करना हर चीज़ पता नहीं क्यों ये त्रिपुरा के बाहर जैसा लगता है, टोटली डिफरेंस है इस तरफ लोगों का। हर चीज़ गाड़ी का मॉडिफिकेशन हो, हर चीज़ को लेकर हर छोटा छोटा चीज़ यहाँ अलग लगता है त्रिपुरा से। लेकिन ये त्रिपुरा के अंदर ही है, ये मिजोरम बॉर्डर है इसलिए ज़्यादा ऐसा लग रहा है। और लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है। जो पहाड़ पीछे आप देख रहे हैं वो जाम्पुई हिल का है। इधर इस रूट से आप जाम्पुई हिल तो पैदल चल के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाम्पुई हिल से कनेक्ट नहीं। देख भी रहा होगा वो जो पहाड़ है पीछे, लेकिन नहीं जा पाएगा गाड़ी या बाइक से, रूट नहीं है अभी तक। ये देखो पूरा खाली खाली है आज। ये इतना बड़ा मार्केट मुझे पता नहीं था पहले, और मैंने किसी को पूछा भी नहीं था कि खेटासोरा मार्केट कितना किस तरह का है। आज आके पता चला इतना बड़ा। गाइस दिस इज खेटासोरा। अगर आपको किसी को भी यहाँ पर आके विजिट करना है तो सबसे पहले आप पानीसागर से गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद दामसोरा, दामसोरा के बाद खेटासोरा। पीछे की तरफ बहुत ही दूर है, इतना लंबा मार्केट दिखाई नहीं देता उस तरफ।
यहाँ पर बेसिकली वीकली 2 times मार्केटिंग होता है। बड़ा एक लोगों का बहुत ही क्राउडिंग होता है यहाँ पर, मंडे और ट्यूसडे में यहाँ पर मार्केटिंग होता है। बहुत बड़ा मार्केट है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे क्योंकि मार्केट जो नहीं है आज। यहाँ पर मिक्स कल्चर है, स्टेशन भी यहाँ पर ही है। आजकल के बच्चे जो है कैमरा देखते ही मतलब पागल हो जाते हैं। सबको पता है कि ये ब्लॉगिंग या फिर कुछ यूट्यूब में आएगा, इसलिए हाय हेलो करना शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा पेड़ मार्केट के बीच में, धर्मनगर तक रेल से आने के बाद आप यहाँ खेतासरा में सीधा आ सकते हैं पैसेंजर कार से, अगर आपको विजिट करना है तो। रियांग कम्युनिटी के कुछ लोगों को मैं सुपारी बिकते हुए देखा यहाँ मार्केट में। दोस्तों गुड आफ्टरनून वंस अगेन ऑन 3rd day इन माय ब्लॉग। आज मैं वापस जा रहा हूँ खेतासरा से। देखो क्या हालत है आज भी, रोड का कितना खतरनाक है ये देखो। सिचुएशन स्कूटी को ऐसे घुमा के लाना पड़ा। ये भाई मुझे अभी पता नहीं रामसरा या फिर पानी सागर कहाँ तक ड्रॉप करेगा। जिस दिन आया था रात को बारिश हो रहा था, तो बारिश के बाद निकला खेतासरा के लिए मुझे लेके जा रहा था, तो कितना बार हमने गिरा पता नहीं। ये ज्वाइन जो होता है पीस के बीच में, वहाँ पर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ था। ये देखो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे एक चार्ज भी है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। पता नहीं ये लोग बिजनेस के लिए लगाया होगा ये जो केले का पेड़, इतना सारा केले का पेड़। रूट बहुत ही अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्निंग बहुत ज़्यादा है। वाओ क्या रूट है, एकदम चमक रहा है। गाइस एलिफेंट देखो, इतना बड़ा हाथी ये लॉक को कैरी कर रहा है। बहुत ही बड़ा है ये सामने में देखने से। ये दामसरा का स्टेशन है। ये राइट की तरफ जाएंगे आप दामसरा मार्केट और लॉन्गाई ब्रिज मिजोरम बॉर्डर पे। फर्स्ट टाइम जब रात को आ रहा था तो बहुत दूर लग रहा था, लेकिन आप जब वापस आ रहे तो बहुत ही नज़दीक लग रहा है, क्योंकि पानी सागर से भी 22 किलोमीटर है दामसरा, और दामसरा से खेतासरा भी 22 किलोमीटर है। दामसरा जो है खेतासरा और पानी सागर के बीच में है। ये देखो व्यू, ये दामसरा की बहुत ही ऊपर, सबसे ऊपर से व्यू। लास्ट के आगे जो पहाड़ देख रहे हैं वही है जाम्पुई हिल का रास्ता। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताना। तो फिर दोस्तों आज के लिए यह ब्लॉग यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय।